समेकित बाल संरक्षण योजना एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विषय पर आयोजित अभिमुखी कार्यशाला का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया, जिसका शुभारंभ कमिश्नर अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त ने कहा कि महिला कल्याण विभाग में नियमों के बारे में कार्यशाला से लोगों को काफ़ी जानकारी मिलती है, जिसे लगातार आयोजित होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में अधिकारियों को जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान भी होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षणदाता के रूप में प्रोफेसर ओंकार नाथ तिवारी, सुनील कुमार ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 में समेकित बाल संरक्षण योजना, किशोर न्याय अधिनियम, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया, बाल कल्याण समिति, देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद के संबंध में की जाने वाली प्रक्रिया एवं विभिन्न विषयों पर उपस्थित लोगों को जानकारी दी। इस अवसर पर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर एवं महाराजगंज के मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष, चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर तथा चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड के माननीय सदस्यगण, अन्य कोई बंधु हो जिसका संबोधन मैं नहीं कर सका, मेरी संवेदना को स्वीकार करेंगे। आप सभी का उप परीक्षा अधिकारी माननीय श्री विनीत कुमार जी से प्रशिक्षण कार्यक्रम है और जो उसका उद्देश्य है कि जो हमारा बाल कल्याण है, किशोर कल्याण जो उसका उद्देश्य है, वो ये प्रशिक्षण उसके लिए सार्थक हुआ। मुझे याद आ रहा है कि 2 महीने पहले लखनऊ में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के सभागार में एक विस्तृत मीटिंग हुई, जिसमें सभी कमिश्नर साहब और डीएम साहब भी गए थे और उसमें माननीय उच्च न्यायालय के 5 माननीय न्यायाधीश के अध्यक्षता में बैठक हुई थी और विस्तृत रूप से उस पर ICPS स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड क्या है, कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, उस पर निश्चित रूप से चर्चा हुई। और उसके बाद उसी के अगली बैठक दिल्ली में होने वाली थी, तो वो भी फिर उसमें खैर हम लोगों को नहीं बुलाया गया था। तो लेकिन मुझे पिछले 2-3 साल से ये महसूस हो रहा है कि जो हमारा महिला कल्याण विभाग है उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं। हमारा जो अधिनियम है ये भी सन 2015 का है, तो इसके जो प्रोविजंस हैं इससे सभी हमारे अधिकारीगण भी पूर्ण रूप से वाकिफ नहीं होंगे। क्या हमारा दायित्व है, क्या हमारे अधिकार हैं, हमें क्या क्या हम कर सकते हैं, जो हमारे बाल कल्याण ग्रह हैं, बाल संरक्षण ग्रह हैं, किशोर कल्याण बोर्ड है, उनकी क्या फंक्शन चल रही है, कहाँ पे हम लोग उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये सब नई बातें हैं और इसके लिए प्रशिक्षण निश्चित रूप से कारगर हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप के मन में जो भी शंकाएं हैं, संदेह हैं, प्रश्न हैं, उसका उत्तर आपको आज यहाँ पर मिलेगा। बैठक में उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी है और पूरे मंडल के काफ़ी बड़ी संख्या में अधिकारीगण आए हैं, तो निश्चित रूप से जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें भी काफ़ी नई चीज़ें निकल कर आएंगी। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं खास तौर पे हमारे जो महिला कल्याण विभाग के अधिकारी हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर लखनऊ के जो प्रशिक्षण आए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि ये जो सेशन है, ट्रेनिंग सेशन है, ये सकारात्मक हो, यूजफुल हो और आपके को जो भी जानकारी है वो आप अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बैठक और इस तरह की कार्यशाला का आयोजन है सर, वहीं पर ऐसा डिसीजन लिया गया था तो उस वक्त महिला एवं कल्याण, महिला एवं बाल विकास जो हमारे मिनिस्ट्री है सर, श्री राकेश श्रीवास्तव जी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेणुका मैम के बीच एक हुआ और इस तरह के कार्यक्रम हर कम से करने का वहाँ से योजना बनी सर। तो ये हमारा सर उसी चरण में आज सर 11वां प्रोग्राम है। इससे पहले हम 9-10 जो हमारी कमिश्नरेट है सर, उसमें ये कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं।